दोस्तों, कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमारे पोर्टल जिम पोर्टल में कुछ कैटेगरी पब्लिश तो होती हैं जिनको हम कैटलॉग बनाना कहते हैं, बट जब हम पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो पार्टिसिपेट में वो प्रोडक्ट हमें शो नहीं करता है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है और किन कारणों से होता है। उसके लिए पहले मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको ये वो चीज़ क्लियरली समझा पाऊंगा कि ये क्यों होता है। इसके लिए हमें कभी कभी परेशान भी होना पड़ता है कि प्रोडक्ट पब्लिश भी है, उसके बाद भी हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं या पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि कितने प्रोडक्ट पब्लिश हैं मेरे में। ठीक है, इन्हीं में से मैं कोई एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, आप दिखाता हूँ। देखिए, ये सारे प्रोडक्ट पब्लिश हैं। इसी में मान लीजिए मैं पेन का ही लेता हूँ, सेलो का पेन है और ये पब्लिश है हमारे उस पे। बट अगर मैं किसी पेन के कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, वो पार्टिसिपेट का भी ऑप्शन देगा, बट उसके आगे क्या प्रॉब्लम होगी वो हम आइए देखते हैं। मान लीजिए एक बीट थी बॉल पेन की, तो आइए मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम अपने किस पे जाएंगे, बिट्स पे जाएंगे, ऑनगोइंग बिट्स पे जाएंगे और वहाँ पे उसी बिट को हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने सर्च किया, आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे कि रोलर बॉल पेन आया है, जो उस पे पार्टिसिपेट का भी ऑप्शन आ रहा है। पार्टिसिपेट, मैं पार्टिसिपेट पे गया, यहाँ पर देखिए सारी चीजें दिखाता है, सारी डिटेल्स दिखाता है, कहाँ पर क्या होना है। ठीक है, आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं, कंसाइनी देख सकते हैं। अंडर PAC क्या होता है, रोलर बॉल पेन Q4 2.0, ये अंडर PAC क्या होता है, इसको भी मैं भी आपको समझा देता हूँ। इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है, बाकी डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। अंडर PAC मतलब होता है कि जब कोई प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक या किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट के साथ मांगा जाता है, उसको अंडर PAC बोलते हैं। अब यहाँ पर जब वो, जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, अब उसको यही पेन का ही ऑप्शन लेते हैं, पेन का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर वो अपनी कोई विशेष रिक्वायरमेंट मांगता है, मान लीजिए वो अपना नाम, अपने डिपार्टमेंट का नाम उस पेन पे प्रिंट करवाना चाह रहा है या छपवाना चाह रहा है, तो वो पेन जो होगा वो अंडर PAC के अंदर आएगा। अब इसमें आप समझ लीजिए कि जैसे अगर हम कोई मार्केट से कॉमन पेन लेके देते हैं, तो वो तो उस पे तो नाम होगा नहीं किसी डिपार्टमेंट का। मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर वो अपने प्रोडक्ट पे अपनी पब्लिशिंग करवाना चाह रहा है, अपना नाम छपवाना चाह रहा है, तो वो अंडर PAC के अंतर्गत आएगा। तो इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी बिट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी या इसको भी देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि PAC के अंतर्गत आता हो और फिर बाद में आपको उसको लेके कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए हम आगे पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये क्या हमें ऑप्शन देख रहा है। सबसे पहले तो जो मैंने आपको समझाया था PAC, उसका ये आप देख लीजिए क्या है PAC में। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, विभाग ने या डिपार्टमेंट में क्या कहा है कि जो मेक होगा यूनिबॉल का प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो अब चलिए यहाँ पर थोड़ा गूगल कर लेते हैं कि यूनिबॉल क्या है। यूनिबॉल पेन, ठीक है, अब आप यहाँ उन्होंने स्पेसिफिक यूनिबॉल का ही पेन मांगा है, यूनिबॉल वालों ने अपनी साइट पे दे रखी है। यहाँ पर देखिए यूनिबॉल, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन, यूनिबॉल जेट स्ट्रीम, ये इसका मॉडल होगा, यूनिबॉल जेट स्ट्रीम। ठीक
यूनिकोड जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट पे, ये तो मैंने आपको दिखाई यूनिकोड जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यू हैव नो मैच प्रोडक्ट अवेलेबल, प्लीज अपलोड न्यू प्रोडक्ट मैचिंग बायर रिक्वायरमेंट टू पार्टिसिपेट। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बायर रिक्वायरमेंट मैचिंग, बायर रिक्वायरमेंट टू पार्टिसिपेट। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट मेरी कैटेगरी में ऐड है, उस प्रोडक्ट का जो भी क्राइटेरिया है, जो भी मेजरमेंट है, वो मेरे बायर के रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बायर की रिक्वायरमेंट है वो, और जो मेरा प्रोडक्ट ऐड है वो, उन दोनों की रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी कोई भी प्रोडक्ट हमें पार्टिसिपेट करने के लिए शो नहीं कर रहा है। तो इस कारण से हम अभी इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट अब इसका दूसरा ऑप्शन भी है, क्लिक हियर इफ यू वांट टू अपलोड ए न्यू प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक नया प्रोडक्ट उसी कैटेगरी के हिसाब से हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट को पब्लिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला था, यूनिकोड आ गया। ठीक है, अब आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे 0.5 शायद मांगा था, इसके जो गोल्डन पैरामीटर्स हो, है ना, देखिए यहाँ पे जी गोल्डन पैरामीटर्स मैं आपको बता चुका हूँ, टीसी बॉल टिप एमएम होगा आपका 0.7। ठीक है, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि पैरामीटर्स के ही हिसाब से हम उसको वो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यूनिबॉल रूलर बेल पेन है, लेकिन उसने दूसरी जो कंडीशन बताई थी उसका आप देखिए, उन्होंने ये कहा था, अभी हम इसके लिए यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन जो थी वो था मॉडल जो था यूनिबॉल जेट स्ट्रीम, यूनिबॉल जेट स्ट्रीम। अगर यहाँ पर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है यूनिबॉल जेट स्ट्रीम का, तो हम उसी से उसको कंटिन्यू कर देंगे, जेट स्ट्रीम इसको। अब यहाँ से हम इसको ब्रांड हो गया मॉडल, मॉडल से हम इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जेट स्ट्रीम। ये देखिए यहाँ पे यूनिबॉल जेट स्ट्रीम दिखा दिया आपको, ये देखिए यूनिबॉल जेट स्ट्रीम प्रोडक्ट है। चूज दिस आइटम कर देंगे हम यहाँ पे, ये देखिए, तो वो क्या है कि उसकी सारी चीज़ें उसने हमें यहाँ पे दिखा दी। बस कुछ ही चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि इसका कंसाइनी है, इंडिया कर देंगे, यस कर देंगे इसको। इसका मतलब होता है कि पीपीसी का मतलब होता है कि इंडिया में, मतलब प्रोडक्ट लोकल, ट्रिपल पी मतलब होता है लोकल। अगर आप यस करेंगे तो आप ये 100% ऑटोमेटिक, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पिन बना है ये 100% इंडिया में बना है, कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया गया, कहीं से कुछ नहीं हुआ। आप एसक्यू डाल सकते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट हो सकती है आप। ये देखिए यहाँ पे एमआरपी जो है वो डिफॉल्ट आया, क्योंकि हमने दूसरे का प्रोडक्ट यहाँ पे वो किया है। अब यहाँ पे आप अपना एमआरपी आप किस रेट पर इंक्लूडिंग टैक्स दे सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको 49 कर देता हूँ, 49 रुपीज़ का। ठीक है, 49 में। और आप एक बात हमेशा याद रखिए कि एमआरपी से 10% कम ही आपको अपना
ऑफर प्राइस करना है, एमआरपी से 10% कम हमेशा। अगर आप एमआरपी से 10% कम नहीं डालेंगे तो वो आपको नहीं लेगा। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे 90 रुपीज़ डाल देता हूँ, ठीक है, तब देखिए क्या दे रहा है। ऑफर प्राइस नीड टू बी एट लीस्ट 10% लोअर देन एमआरपी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि लोअर देन एमआरपी से 10% कम डालेंगे, ओके। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है आप किस स्टेट पे करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप कितना कर सकते हैं मिनिमम कंसाइनिंग, मतलब जैसे अगर किसी को कंसाइनिंग का मतलब होता है अगर किसी को एक भी चाहिए तो भी वो आप उसको प्रोवाइड करवा देंगे। कुछ लोग होते हैं कि जैसे अगर 1,000 2,000 से कम ऑर्डर है तो हम उसको नहीं करेंगे। ये वही चीज़ पूछता है कि आप कम से कम कितना वो कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सारा कुछ बिलिंग हो गया, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट पब्लिश होने के लिए रेडी हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, ये कुछ टर्म्स कंडीशन देता है कि आप इसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, सारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है ये देखिए, है ना। बाकी इसका हमें कोई वो यूज नहीं होता है। वर्जन्स के हिसाब से आपको दिखाता रहता है यहाँ पे क्या क्या करना है, ठीक है। ये तो बेसिक है। अब देखिए यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे तो उसके बाद ही ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश का ऑप्शन आया, पब्लिश किया, डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पब्लिश का जो मैंने डिफरेंस बताए थे क्या है इसमें आपके साथ। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वही चीज ऑप्शन पे आ रहा है और अभी जो प्रोडक्ट मैंने पब्लिश किया था वो अभी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए जिस प्रोडक्ट को हम पब्लिश करते हैं सबसे पहले वो एडमिन पे एडमिन क्लियरेंस पे जाता है, ये देखिए पब्लिश हो गया, है ना। यूनिबॉल जो डिस्ट्रीम से हैंड राइटिंग जो डिस्ट्रीम, ये देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो था वो हमारा पब्लिश हो गया, पब्लिश हो गया। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी 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 की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस पे चला जाता है। वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट जो एडमिन के द्वारा, मतलब जो जेम का एडमिन है, प्रोडक्ट का ओईएम नहीं जेम का एडमिन है। यहाँ पे आपको एडमिन और ओईएम में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओईएम क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट का वो करता है। जैसे देखिए लक्स बाथिंग सोप है, ये ओईएम पे प्रोडक्ट है, वेटिंग फॉर ओईएम क्लियरेंस लिखा है, वेटिंग फॉर ओईएम्स, वेटिंग फॉर ओईएम्स, वेटिंग फॉर ओईएम्स क्लियरेंस लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं आपको ये देखिए यहाँ पे क्या है कि एडमिन रिजेक्शन का कारण दिया हो गया, सी कारण, ये इसका मतलब होता है कि ये एडमिन की तरफ से मना किया गया, एडमिन का एडमिन की तरफ से रिजेक्टेड किया गया है, मतलब कि जो जेम का एडमिन होता है उसकी तरफ से रिजेक्टेड है। बाकी पब्लिश में क्या है कि जो भी है प्रोडक्ट वो आपको पब्लिश में दिख जाएगा। अब आइए देखते हैं कि हम इसी को इसी में हम कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। होता क्या है कि ये बहुत जल्दी सेशन एक्सपायर हो जाता है, जब में हमें फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। ओडीओपी क्या होता है ये कभी हम आप
फिर से बताएंगे। यह भी बहुत ही अच्छी चीज है कि यहाँ भी देखिए हम फिर से पार्टिसिपेट हो जाते हैं, फिर से देखते हैं क्या उस प्रोडक्ट पे हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ये अभी भी नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये अभी क्या है कि पब्लिश होने में थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये उस पर आने लगेगा। देखिए पैरामीटर्स तो वही है, यूनिवॉल्जेट स्ट्रीम यूनिवॉल मॉडल, और देखिए वो हमने वही लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अभी भी ये बोल रहा है कि प्लीज अपलोड इन न्यू प्रोडक्ट मैचिंग बायर रिक्वायरमेंट टू पार्टिसिपेट। इसका मतलब है कि हम जो बायर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्ड का टेक्निकल वो देखते हैं, पीएससी का है ओनली 10% पास परफॉर्मेंस, यहाँ पे अभी नहीं आया है, लेकिन ये जैसे ही वहाँ पर पब्लिश होगा या वहाँ से अप्रूवल इसको मिल जाएगा, वैसे ही ये पार्टिसिपेट के लिए अवेलेबल हो जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज होती है कि जब तक आपकी रिक्वायरमेंट आपके प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है और जो बायर की रिक्वायरमेंट है जब तक मैच नहीं करता है, तब तक आप उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, मतलब आप उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप अगर आपको प्रोडक्ट नहीं शो करता है, तो आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा कि आपको फिर एक नए प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप नए प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे, तब यहाँ पर आप उसको पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ ब्लिंक कर रहा है, क्लिक हियर फॉर द न्यू बिड डैशबोर्ड, देखते हैं इसमें क्या है। कल रात में सिम शायद अपडेट हो रहा था, अपडेट होने के बाद उसका ये नया लुक आया है, सिम को अपडेट होने के बाद। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कल रात में सिम काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर अब उसने क्या किया है कि देखिए नए तरीके का डैशबोर्ड पब्लिश किया है, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत इजी भी लग रहा है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस उसने एक ही जगह पे दे दिया है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली हम यहाँ पर इसको सर्च कर लेंगे अपने जो भी बिट्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया उसने, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसका नया डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।